नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ओले क्यों बरसते हैं? बरसात के साथ साथ ज़बरदस्त ओले कई बार हमारे घरों पे गिरते हुए दिखाई देते हैं, ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में। जब हम नॉर्थ इंडिया की तरफ आगे जाएंगे, उत्तराखंड या फिर हिमालय की तरफ, वहाँ पर ओलावृष्टि बहुत होती है दोस्तों। दोस्तों, गर्मियां समाप्ति के समय देश के अनेक हिस्सों में पूर्व मानसून की बरसात होती है। अब बरसात के साथ साथ दोस्तों बिजलियां भी चमकती है और उनमें कई बार ओले बरसते हैं पूरे देश में। आखिर ओले कैसे बनते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, तूफ़ानी बादल जो होते हैं वे काफ़ी विशाल होते हैं, काफ़ी विशालकाय होते हैं। ऐसे बादल का जो तल होता है वो ज़मीन के समीप 2 से 3 किलोमीटर की ऊँचाई पर होता है, जबकि उनका जो ऊपरी सिरा होता है वो 12 से 15 किलोमीटर की ऊँचाई तक होता है। मतलब ऐसे बादलों की जो ऊंचाई होती है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की होती है। और इस बादल को यदि हम आड़ा करें तो आप समझ सकते हो कि एक छोटा शहर या छोटा गांव उसके अंदर पूरे दोनों छोर से लेकर के समाहित हो जाएगा। इन बादलों में ऊपर नीचे बहने वाले हवा के जोरदार प्रभाव के कारण बादल इतनी ऊँचाई तक फैलता है। दोस्तों, गर्मियों में ज़मीन और हवा के तपने से, हवा के तीव्र गति से प्रवाह तैयार होते दोस्तों, और ऊपर की ओर जाने वाले हवा के तेज झोंके के साथ बादल के वाष्पकण बहुत ऊपर यानी कि 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और इतनी ऊंचाई पर हवा बड़ी ठंडी होती है। इस कारण से हिमकण जम जाते दोस्तों और उनके छोटे छोटे हिमकण तैयार होते हैं। इनमें से किसी एक हिमकण पर जब आसपास के पानी के कण इकट्ठा होते हैं तब वो भारी होने लगते हैं, और भारी होने की वजह से वे नीचे आने लगते हैं। लेकिन नीचे आते आते ऊपर आने वाली हवा के झोंकों के कारण वह हिमकण पुनः ऊपर की ओर जाने लगते हैं और वे हल्के हो जाते हैं, और उस पर जो पानी जमा हुई होती है वापस से निकलने लगती है उस पर फिर से। लेकिन ऊपर पहुँचते ही फिर हवा ठंडी है, फिर वह भारी होने लगते हैं और फिर नीचे आने लगते हैं। तो दोस्तों, हिम कणों का इसी प्रकार से ऊपर नीचे आना जाना लगभग चलता रहता है। दोस्तों, शुरू में छोटा सा हिमकण हवा के इन झपेटों में एक नींबू की तरह या उससे भी बड़ा हो जाता है, और इसी को हम ओला कहते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि जब मौसम ख़राब हो तो बादलों का में से जो विमान होते हैं उनका डायरेक्शन अक्सर बदल दिया जाता है, क्योंकि बादलों के बीच में जो ओले बड़े बड़े होते हैं वे अगर इन जहाज़ों से टकरा जाए तब एक्सीडेंट भी हो सकता है। यही कारण है कि जो भी प्लेन उड़ते हैं वे अक्सर सेफ हाइट पे उड़ते हैं, और वो अक्सर इस बात का ध्यान देते हैं कि कहीं वो इस तरह के ओले या हिमखंडों के बीच में अटक ना जाए। दोस्तों, जो हिमकण होते हैं ये ऊपर नीचे ही करते रहते हैं। शुरू में ये छोटा सा हिमकण होता है, बाद में काफ़ी बड़ा भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर ओले बहुत ही वजनदार हो जाए, अर्थात ऊपर हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो और नीचे आने वाली हवा इतनी गर्म ना हो कि उसे वो रोक सके या उसे पिघला सके, और फिर तेज़ हवा के झोंके की परवाह किए बिना वो ज़मीन तक आ जाती है, और इसी को ही हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं दोस्तों। लेकिन ओलावृष्टि के साथ साथ अक्सर बारिश भी होती है। इसका पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि नीचे जाने वाली जो गर्म हवा है हर हिम कणों को पिघला नहीं पाती है कि या किसी को पिघला भी लेती है, तो जो पिघल जाते हैं वो बूंद के फॉर्म में नीचे आते हैं, जो पिघला नहीं पाते वे ओले के फॉर्म में बरसते हैं। यही कारण है कि बरसात में अक्सर पानी की बौछार के साथ साथ ओले आते हैं। दोस्तों, बादलों में तीव्र गति की जो हवाएं बहती है वही ओला तैयार करती है, और अतः ये पूर्व मानसून में ही अक्सर ओले बरसते हैं। और जिन बादलों में ऐसी तेज़ हवाएं नहीं बहती उन बादलों से केवल बरसात होती है दोस्तों, ओले कभी नहीं बरसते।
और अब बात करते हैं पहाड़ियों पे। दोस्तों पहाड़ियों की ऊंचाई ऑलरेडी काफ़ी हाइट होती है दोस्तों, अगर आप हिमालय कहे तो लगभग ऑलरेडी 8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई है, तब वहाँ पे ऑलरेडी हवा बहुत ठंडी होती है, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वे जो कण होते हैं वे जो कण होते हिम कण होते वो नीचे आ सके, क्योंकि वो उसी ऊंचाई पे बरसना पड़ता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों की ऊंचाई काफ़ी ऊपर है। यही कारण है कि पहाड़ों पे अक्सर बर्फ़बारी होती है, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि नीचे तक आके पिघल सके। यही कारण है कि पहाड़ियों पे अक्सर बर्फ़बारी होती है, और जो समतल इलाके हैं भारत के जो पठारी इलाके हैं वहाँ पर बरसात होती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग का समय और नीचे से गर्म हवा जा रही है तो बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी होती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आप अपने मित्रों से शेयर करें ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके और उनका भी इससे लाभ हो। दोस्तों आपको या आपके मित्रों का कोई भी प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।